जियो यूज़र के लिए बहुत बड़ा अपडेट। अब आपको 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से पे करना होगा अदर नेटवर्क पर कॉलिंग करने के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं रजिंदर आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल RSB लेटेस्ट इन्फो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जियो के नए अपडेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में आपको नया रिचार्ज किस तरह से और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, और यदि आपको लगे कि ये वीडियो, ये जानकारी कहीं ना कहीं आप सबके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए बात करते हैं जियो की तरफ से नए अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, आप जियो के माई ऐप में जैसे ही जाओगे तो आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ इस तरह से। एक्चुअल में इस नोटिफिकेशंस का डायरेक्टली ये मीनिंग है कि यदि आप जियो से किसी अदर नेटवर्क पर कॉलिंग करते हो तो आपको 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से जो है वो पे करना होगा। एक्चुअल में पहले जो था ये जियो की तरफ से बिल्कुल फ्री था, बट इसे अब पेड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जियो यूज़र के लिए अदर नेटवर्क पर के बंदे एक्चुअल में क्या करते थे कि वो मिस कॉल मारते थे दूसरे नंबर पर, जियो के नंबर पर, और जियो का जो है वो कॉल बैक कर लेता था यूज़र। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जियो के साथ साथ अदर नेटवर्क को जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उसी लॉस को रिकवर करने के लिए जियो ने इस अपडेट को लाया है। सिंपली यही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ पेड हुआ है कॉलिंग अदर नेटवर्क पर। जियो टू जियो जो है कॉलिंग अभी भी फ्री रहेगा, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करवाना होगा। जो भी आप रिचार्ज करते हो उसी रिचार्ज के साथ आप अभी भी जो है जियो पे फ्री कॉलिंग कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना होगा अदर नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप जियो से एयरटेल पे, आइडिया पे, व्हाटएवर किसी भी नेटवर्क पे कॉलिंग करते हो तो आपको एक स्पेशल रिचार्ज कराना होगा। वो रिचार्ज जो है मिनिमम 10 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, IUC टॉपअप रिचार्ज। IUC का डायरेक्टली मीनिंग ये है इंटर कनेक्शन यूजेस चार्जेस। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये रिचार्ज कैसे और कहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स, आप पेटीएम ऐप से इस रिचार्ज को कर सकते हो बड़े ही आसानी से। आप सिंपली अपने मोबाइल पे जाएं और पेटीएम ऐप को ओपन कर दें। जैसे ही आप पेटीएम ऐप को ओपन कर दोगे, आपके सामने जो है कुछ इस तरह की विंडो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि मोबाइल प्रीपेड वाले ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। और जैसे ही आप इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको पास एक दोबारा नई विंडो कुछ इस तरह से आएगी। आपको प्रीपेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको अपना नंबर एंटर करना है, जिस भी नंबर पे आपने रिचार्ज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप ब्राउज प्लान भी चेकआउट कर सकते हो कि एक्चुअल में आपने कौन कौन सा रिचार्ज कराना है। ठीक है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। 10 रुपये से ये रिचार्ज 1000 तक अवेलेबल है पेटीएम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अभी जो है आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको 7.47 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलेगा और आप सिंपली प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करोगे 10 रुपये पे, यदि आप किसी ऑफर को चेकआउट करना चाहते हो तो अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपको लगता है कि कोई भी अवेलेबल है तो आप इसे अप्लाई कर दें। ठीक है, ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। अब आपको सिंपली प्रोसीड टू पे करना है, इसको रिमूव कर दें, प्रोसीड टू पे करें। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप ATM, डेबिट, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, या यदि आप डायरेक्ट जो है पेटीएम बैलेंस से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप क्लिक करें यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरह से नोटिफिकेशंस आने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो है आप स्नैपशॉट लेके भी रख सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़े ही आसानी से जो है अपने जियो नंबर पे रिचार्ज कर सकते हो USC चार्ज, जो कि IUC टॉपअप रिचार्ज, जो कि YouTube की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया RSB लेटेस्ट इन्फो YouTube चैनल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।